सो है एवरी वन, वेलकम टू रैंकर जे। दिस इज सूरज मौर्या। फास्ट ट्रैक कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक्चुअली यार, थोड़ा सा ये जो मौसमी बुखार चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा गला वगैरह बैठ गया था, जुखाम खांसी। डेट्स वाई प्रीवियस 3 या 4 डेज से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली 2 लेक्चर्स हो चुके थे। अब कुछ प्रॉपर्टीज बची थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पीरियोडिक फंक्शंस की। उसके बाद न्यूटन लिबनीज रूल, उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस में कई अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और वंस अगेन कि आपका जो यार डेडिकेशन होता है, जो पेड बैचेज में जो कंसिस्टेंसी होती है टीचर्स की या जो भी बच्चों की, वो एक अलग लेवल की होती है ना। तो पेड कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, इलाइट बैच, जेई मेन, जनवरी, या फिर जब भी डेट होता है तब तक कोई कोर्स आपका एक्सटेंड हो जाएगा। मेनली ये फोकस रहेगा कि ये कोर्स आपका जनवरी तक ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें हम रिविजन मैराथन क्लासेस कराएंगे। तो मेक श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लगता है, देन मेक श्योर टू ज्वाइन इलाइट बैच। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7408916904 पर फर्दर क्वेरीज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके जो भी आगे की खासियत हैं एक बार मैं रफली बता देता हूँ। उसमें डेली आपकी लगभग 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेज होंगी, DPP CPPs विथ स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगा जो कि किसी भी बैच में नहीं हुआ करता, बट इस बार हमने इंक्लूड किया कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसमें डाउट सॉल्विंग एक मेन फैक्टर होता है जो कि सभी बच्चों का एक साथ नहीं हो सकता, बट इस बार हमने डाउट सॉल्वर्स हायर किए हैं और उसके बेसिस पर आपके सारे डाउट सॉल्विंग होंगे। प्लस आपका वीकली जूम मीटिंग कॉल होगा, किससे, ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन ले रहा है जो आपको टीचिंग देगा, जो आपको पढ़ाएगा वही आपका जूम कॉल लेगा, वीकली आपको मेंटर करेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, उसमें आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा वीकली या पर डे के हिसाब से, जैसा आप टेस्ट लेना चाहते हो। सपोज आज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन कवर किया, 1 दिन या 2 दिन जो भी लगे, तो उसका आपको तुरंत ऐप पे, रैंकर जे का ऐप है, उस पर आपको तुरंत टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बूस्टअप हो सके, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ट्रस्ट मी लाइट बैच इज बेस्ट। अगर आप अभी भी सिंसियर हो, मेक श्योर टू ज्वाइन। तो आओ बात करते हैं यार पीरियोडिक फंक्शन। अगर हम ये कहें कि भाई FF जो आपका है पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पीरियड उसका हम कहते हैं कि भाई सपोज उसका पीरियड T है, जैसे कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, तो ये सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनका एक पीरियड होता है। मतलब कि जिस इंटरवल भी एक ग्राफ रिपीट करता है उस इंटरवल को हम बोलते हैं भाई ये पीरियडिक फंक्शन है। जैसे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले लें, तो 1 इंटरवल भी रिपीट करता है। साइन एक्स की बात कर लें तो 2π भी रिपीट करता है। तो उसी हिसाब से जो भी आपको ग्राफ मिला करेगा आप वहाँ पे समझ जाया करेंगे। बट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको 2-4 प्रॉपर्टीज एकदम मुझवानी याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 0 से nt, मतलब कि n टाइम्स उसके पीरियड जाते हैं 0 से लेके, है ना, fx dx लिखा है तो आप सिंपली लिख सकते हो, एकदम याद रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बहुत कठिन है। 0 से t जाएंगे आप ये जो n है बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सपोज 4π लिखा है, अगर 2π पीरियड है, 0 से 2π जाएंगे आप 2 बाहर लिख देंगे, तो क्वेश्चन वहाँ पे आपका इजी हो जाता है, ठीक है। और मेक श्योर की जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज है वो एकदम याद रहनी चाहिए। मैं अगेन बताऊँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज तभी आपको याद रहेंगी जब आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो जो अपना बैच है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम फोकस करते हैं, कि जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया तो उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराया जाए। तो मेक श्योर की देखना जरूर एक बार, है ना। a से a प्लस nt तक अगर जाते हैं, ये आपका कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है, n टाइम्स बाहर आ जाएगा, a का कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 से लेकर t आप सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें, सपोज आप जाएं a से a, फिर प्लस a से वापस nt तक जाएं, a से वाले का तो 0 हो गया, बात वही बना nt वाले का, तो n आपका यहाँ पे बाहर आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर mt से हम nt तक जाते हैं तो सिंपली आप लिखेंगे क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाले जो कांस्टेंट है उसको माइनस करेंगे, और 0 से लेकर t f(x dx) अभी तक सिमिलर दिख रहा होगा हमें कि 0 से t ही जा रहे हैं, यहाँ पे भी f(x dx) है, यहाँ पे भी f(x dx) है, यहाँ पे भी f(x dx) और यहाँ भी 0 से t, यहाँ से भी 0 से t, यहाँ भी 0 से t। अगर n m दो बार आता है तो माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर a से a प्लस nt तो बात वही है, और यहाँ 0 से nt तो बात वही है। एक प्रॉपर्टी और है, थोड़ा सा याद रख लो, अगर a प्लस nt से हम b प्लस mt तक जा रहे हैं, या फिर a प्लस mt से b प्लस nt तक जा रहे हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं आपको दिखना है, बस ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे a से b तक आप f(x dx) लिख देंगे, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज याद हो गई। अब इसके बेसिस पे 4-5 अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर लें तो मेक श्योर कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो आओ कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो जाके और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आओ ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, ITJ में 2 times आस्क किया हुआ प्रॉब्लम है, ITJ 1994 2004। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो
क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करेंगे वीडियो को, देन आफ्टर आप सॉल्व करके सोल्यूशन देखना। और जो लाइव क्लासेज होती हैं उसमें लाइव टू लाइव होती हैं, जैसे जो हमारे बैचेज होते हैं उसमें डायरेक्ट लाइव क्लासेज होती हैं। लाइव क्लास करने का वहाँ पे इंटरेस्ट ये रहता है कि जो बच्चे सिंसियर होते हैं वही बैच में आते हैं, तो वहाँ पे लाइव क्लास का आनंद आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रॉपर्टीज कुछ कुछ पता है, तो चलो इसका सोल्यूशन करना है भाई। सो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 2n+1 - cos भी इसके बराबर प्रूव आपको करना है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, और एक यहाँ पे आपको इंटरवल दिया है v के लिए। हमेशा याद रखना जब भी आप IIT JEE के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, JEE मेन में तो एक बार चल भी जाएगा, अगर आप IIT JEE लेवल के प्रॉब्लम्स डील करते हैं तो मेक श्योर कि आप इन इंटरवल्स का ध्यान देंगे। आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें पता चला होगा कि क्या अहमियत होती है इन सब चीज़ों की, या फिर जो भी फंक्शन की मैपिंग दी होती है एफ सच डेट ए टेंस टू बी, इस तरीके से करके काफ़ी ज़्यादा उनका रिलेवेंस होता है क्वेश्चंस में, तो मेक श्योर कि उसे आप निगलेक्ट नहीं करेंगे इस तरीके से। ऐसा तो कोई प्रॉपर्टी यार अभी तक हमने पढ़ा नहीं, तो थोड़ा सा इसे अगर ब्रेक करना चाहें, हम इसे लिखें 0 से V मॉड साइन एक्स डी एक्स, है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा प्लस बाई वी तक गए, अब वी से हम चले जा रहे हैं भाई एन पाई तक। ठीक है, एन पाई प्लस वी तक, इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई। पहले हम 0 से V गए, फिर V से एन पाई प्लस V गए, और यहाँ पे मॉड साइन एक्स डी एक्स हमने कर दिया। ठीक है, वही चीज़ है बात। अब इसका तो हम सिंपली कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि भाई हमें पता है कि जो मॉड साइन एक्स है, अगर 0 से V तक की बात करो तो ये मॉड क्या रिटर्न करेगा। देखो अब इसलिए भाई यहाँ पे ये इंटरवल आपका इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि भाई जो वी है आपका 0 से π तक जाएगा, समझ रहे हैं बात, और 0 से π तक जो भाई आपका साइन एक्स रहेगा वो तो पॉजिटिव देगा आपको, है ना। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा तो आप यहाँ से आराम से भाई कह सकते हैं भाई ये सिंपली आप लिखें 0 से V, ये सिंपली साइन एक्स डी एक्स लिख दो। ठीक है, प्लस आप ये प्रॉपर्टी आपने जस्ट अभी पढ़ा, ए से लेके ए प्लस एन टी क्या होता था, ए उसमें कुछ मतलब नहीं रखता था, सिंपली आप क्या करते थे n को लेते थे बाहर। लेकिन यहाँ पे n को हम बाहर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आप देखें अगर mod sin x तो जो इसका इंटरवल होता है mod sin x का वो होता है पाई, sin x का तो 2π होता है, बट अगर mod sin x की बात करें इसका इंटरवल पाई होता है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है और ये पाई इंटरवल पे ही रिपीट करती है वैल्यू। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई यहाँ से, ये सिंपली हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी n टाइम्स 0 से π तक। प्रॉपर्टी अभी जस्ट हमने किया है डिस्कस, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, मॉड साइन एक्स डी एक्स, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, अब क्या है भाई, साइन एक्स है यहाँ पे, इसका सिंपली आप लिखेंगे -cos x, 0 से V तक जाएंगे, प्लस n टाइम ये भी आपका cos x है, सॉरी ये साइन एक्स सिंपली पॉजिटिव रिटर्न करेगा 0 से π के लिए, ये आप लिखेंगे -cos x। ठीक है, ये आप जाएंगे 0 से π तक, क्लियर है। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे सिंपली वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा भाई आपका -cos v, -cos 0 आपका 1 ही होता है, तो यहाँ पे आप सिंपली 1 रखेंगे, प्लस n टाइम्स आप यहाँ पे रखेंगे -cos π, माइनस ये प्लस हो जाएगा cos 0, या फिर सिंपली आप 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, अब भाई यहाँ पे मिल रहा है हमें -cos v - 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस n cos π - 1 होता है, तो यहाँ पे आपका सिंपली 1 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 होता है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपका 2n यहाँ से -1 - cos v। आपको देखो प्रूव क्या करना था, 2n + 1, अच्छा यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ, cos π आपका -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली प्लस कर देंगे cos v - 1, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, हाँ -cos 0, देखो -cos x है तो -, आपका अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिलाब्रेट करें तो cos v - cos 0 होगा, है ना, ये हो जाएगा भाई -cos v, कितना cos v रहने दो, और ये -1, तो ये -, प्लस हो जाएगा, तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि ये भाई प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे तो इसमें हमें पता चल गया डायरेक्टली, बट अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होते तो वहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी, और मिस्टेक भी करना जरूरी है अगर आप जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स ही आपको बताएंगे कि आप वाकई में सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। तो ये आपने सिंपली प्रूव कर दिया भाई ये जो इंटीग्रल है कितना आता है 2n + 1, और यहाँ पे आपका -cos v, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता होती और हमें ये नहीं पता होता मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है या फिर कैसे इसे ब्रेक करना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आई होप ये प्रॉब्लम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर अप्रोच करते हैं।
ओके देन मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये दोनों बेसिक से प्रॉब्लम फटाफट इसे सॉल्व करते हैं. 0 से 4 पाई mod cos x dx दिया है. अब इसमें भी कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. पहली बात तो हमें ये पता है भाई जो mod cos x है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ डिजाइन होगा. मतलब कि जो पाई है इसका इंटरवल होगा, पीरियड होगा, है ना. तो भाई 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 1. 4 times 0 से pi mod cos x dx लिख लिया. अच्छा याद होगा इसके जस्ट पहले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया भाई, जो मॉड साइन एक्स है डायरेक्टली हमने कहा भाई 0 से लेके पाई तक मॉड साइन एक्स पॉजिटिव होता है. बट क्या वो चीज़ हम इसमें कह सकते कि भाई मॉड कॉस एक्स को सिंपली आप कॉस एक्स रखें इंटीग्रेट करो? बिल्कुल नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, अगर हम साइन के कर्व की बात करें, मॉड साइन एक्स या फिर साइन एक्स की बात करते हैं, चलो पहले तो साइन एक्स में हमें दिख रहा है भाई ये पाई बाई टू ये पाई, तो 0 से लेके पाई तक तो साइन एक्स पॉजिटिव रिटर्न करता था. इसलिए हमने कहा भाई मॉड साइन एक्स तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, तो उसको साइन एक्स एज इट इज लिख देते हैं अगर 0 से पाई की बात करेंगे. बट इन केस ऑफ कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स की आप बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है. यहाँ पे आपका कुछ पाई बाई टू होता है और यहाँ पे कुछ आपका पाई होता है जहाँ पे वैल्यू -1 होती है. हल्का सा भी कंफ्यूजन होगा तो हम तुरंत ग्राफ ड्रॉ किया करेंगे. इसलिए बेसिक कर्व स्केचिंग सबको आनी चाहिए, है ना. ये हमने ड्रॉ कर लिया आराम से. फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है भाई कि मॉड कॉस एक्स तो भाई दो दो जगह अपनी साइन चेंज करें, एक बार 0 से पाई बाई टू के बीच में, एक बार पाई बाई टू से पाई के बीच में. तो क्या डायरेक्टली हम मॉड कॉस एक्स को ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. तो दो इंटरवल में हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे. तो 0 से लेके 4 तक तो सॉरी पाई तक तो जाएगा ही, बट पहले हम क्या करेंगे 0 से पाई बाई टू तक जाएंगे, ठीक है. मॉड कॉस एक्स प्लस क्या करेंगे 4 times 0 से pi by 2, अब नहीं pi by 2 चले गए भाई, pi by 2 से अब हम pi तक जाएंगे. हम ये प्रॉपर्टी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे होता है, ठीक है. अब समझ में आ रही हैं चीज़ें, थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं कि भाई अगर हम ये कहें कि भाई ये 4 टाइम्स है और ये यहाँ पे जो मॉड cos x है क्या रिटर्न करेगा 0 से pi by 2 के बीच में, पॉजिटिव रिटर्न करेगा. तो सिंपली आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि सिर्फ यहाँ पे आप sin x लिखेंगे और ये 0 से लेके pi by 2, क्लियर है. बट जब इस मॉड cos x की बात करेंगे फ्रॉम पाई बाई टू से पाई, अगर हम पाई बाई टू से पाई तक जा रहे हैं तो भाई निगेटिव रिटर्न कर रहा है. तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स होगा और एक माइनस बाहर आएगा. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है. अब हम साइन एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे भाई? पाई बाई टू से लेके पाई तक करेंगे. बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर है. अब क्या है भाई कि भाई सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे. आप 4 times sin π/2 -0, मतलब कि 1 - 0 प्लस यहाँ पे माइनस आपका, ठीक है इसे हटाइए, -sin π 0 -1, मतलब कि ये हो गया भाई 4. ये यहाँ पे भी 4 था, इसे हम निगलेक्ट नहीं करेंगे. 4 यहाँ पे आपका 4 -4 times -1, मतलब आपका 8 एक्सैक्ट आंसर आ गया, ठीक है. अगर आपने खुद से इसे सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना. तो एक बार खुद से ट्राई किया करो सारे प्रॉब्लम्स को. मेक श्योर कि जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपकी इफिशियंसी ज़्यादा बढ़ती है. आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आपकी स्टेप्स बिल्कुल सही हुआ करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रूव करो, प्रूव डेट कि 0 से लेके 25 e^x - greatest integer of x dx बराबर है 25 times e - 1 के. हल्का सा भी दिमाग लगाओ तो प्रॉब्लम तुरंत क्रैक हो जाएगा, तुरंत स्ट्राइक होगा माइंड में कैसे सॉल्व करना है. अब ध्यान से अगर हम देखने की कोशिश करें, ये 0 से 25 है, ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है? क्या हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि x क्या होता है भाई? इंटीजर का सम प्लस फ्रैक्शन का सम, यही तो होता है x. भाई अगर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो ये क्या आता है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट x आता है. और जो फ्रैक्शनल पार्ट x आता है भाई उसका कर्व हमें पता है, उसका इंटरवल क्या है? 1 है, है ना. तो ये जो ग्राफ है ये भी 1 के इंटरवल में ही ड्रॉ होगा. और ये हम लिख सकते हैं भाई 0 times 25 into 1 e^(fractional part x dx). अब क्या करना है भाई, 0 से एंटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंपली हम ये कहेंगे भाई 25 को बाहर ले लो 0 से ही e^(e^)(power), इसको एज इट इज लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था. बस अब प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचा, सिंपल हो गया प्रॉब्लम. कैसे भाई? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x है, अगर 0 से 1 की बात करें, 0 से 1 के बीच में भाई फ्रैक्शन 0.5 0. कुछ या फिर जो भी वैल्यू आएगी भाई, सिंपली आप सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने आप लिख लिया है. अगर 0 से 1 के बीच में आप बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 0 होगी. आप चाहे 0.1 रखेंगे, आप चाहे 0.2 रखेंगे, आप चाहे 0.9, 0 से लेके 1 के बीच में ये वैल्यू तो 0 होने जा रही है ना.
तो 25 टाइम्स 0 से 1 e टू द पावर x dx काम खत्म है। 25 टाइम्स e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ठीक है, 25 e माइनस e के पावर 0 1 होता है, या फिर आप ऐसे 25 बाहर लिखें और e माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और वही आपको प्रूव भी करना था, 25 टाइम्स e माइनस 1 इसके बराबर है। तो इसी के बेसिस पर आगे थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स होंगे, दो प्रॉब्लम्स दूंगा मैं, तुरंत तुरंत उसे करेंगे, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमसे भी प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा वो बुलंदी नहीं आ पा रही है, ठीक है, बाकी तो सब सही है। ओके, तो इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से खुद से करने की कोशिश करना, तब जाके मजा आएगा। कह रहा है भाई द वैल्यू आप पूछ रहा है आपसे, चार ऑप्शंस आपको दिए, माइनस 5 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो कह रहा है भाई जो आपका एफ एक्स है वो है मिनिमम ऑफ द फंक्शन एक्स प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का, और एक्स माइनस 1 उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमने लिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पे आपका ये वाला ब्रैकेट जो है ये डिनोट कर रहा है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है भाई, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब हमको समझ, अच्छा इसकी वैल्यू बतानी माइनस 5 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, ठीक है। अब हम पहले तो भाई ये काम कर लें कि एफ एक्स निकालने है क्या, एफ एक्स कह रहा है भाई मिनिमम है किसका किसका, एक्स प्लस 1 का जो फ्रैक्शनल में और एक्स माइनस 1। अच्छा ये बताओ जो भाई एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 है दोनों में मिनिमम कौन सा होता है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा, थोड़ा सा भी आपने फंक्शन पढ़ा होगा, इसलिए मैथ पढ़ने से पहले सबसे जरूरी जो चीज़ है आपको फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों में आप हल्का सा भी दिमाग लगाएं तो आपको ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि भाई x प्लस 1 जो है और आपका जो x माइनस 1 है, ठीक है, ये दोनों तो वाकई में देखा जाए तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर ही है। अगर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे अगर सपोज 9.5 है, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा भाई, 9 आएगा। अगर 9.5 प्लस 1 की बात करो भाई ये कितना आएगा, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें 0.5 आएगा, ठीक है, इसमें भी आपका 10.5 फिर है आपका 0.5 ही आएगा। अगर आप बात करें 9.5 माइनस 1 की तो ये भी कितना है, 8.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। हमें बेसिकली फ्रैक्शन से मतलब है, अगेन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्रैक्शन में आप कुछ भी इंटीजर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो देन आपको रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, वैल्यू कौन सी आएगी, यही एक्स की वैल्यू आएगी। आप अगर x प्लस 100 भी कर दें, चाहे 2000 कर दें, इसके बेसिस पे जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे x प्लस r वाला फ्रैक्शन के अंदर था वो वाला क्वेश्चन हमने किया था, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आई होगी चीज़ें। इसलिए सारी चीज़ें मैं मैथ में कहता हूँ इंटरकनेक्टेड है। कैलकुलस पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक बेसिक फंक्शन के सारे डाउट्स आने चाहिए, भाई रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या है, बेसिक ग्राफ्स क्या है, ये सारे आप चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ो चाहे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, हर जगह आपको नेसेसरी होता ही है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे वो सर्कम सेंटर हो, चाहे नाइन पॉइंट ऑफ ए सर्किल हो, हर चीज आप जब बेसिक से क्लियर करोगे देन यू कैन ओवरकम योर फियर फ्रॉम मैथमेटिक्स। कई बच्चों का ये डाउट आता है कि भाई मैथमेटिक्स में सर प्रॉब्लम्स नहीं बनते, बहुत टफ लगता है। उसका सिंपल सा फंडा यही है कि आप बेसिक तो अपना क्लियर ही नहीं करते, आप समझते हो कि मैथ क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अभी जब एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करोगे थोड़ा सा उसमें और आपको दिक्कत आएंगी, समझ रहे हो, कि आपको पूरी चीज़ें आनी चाहिए भाई एकदम स्टार्टिंग से लेकर एट द एंड तक, ठीक। इसमें फिर हमें क्या पता चलेगा भाई जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा वो क्या है भाई, वो सिंपल सा यही तो है, क्लियर है। अब क्या करना है भाई, ये देखो यहाँ पे भाई साहब ने लिखा हुआ माइनस 5 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा कोई बता सकता है कि भाई जो ये फ्रैक्शनल पार्ट उसका पीरियड कितना होता है, भाई ऑब्वियसली 1 होता है, ये सब कोई पता है, क्लियर है। तो क्या कहेंगे भाई कि अगर हम इसको लिखना चाहें कुछ इस तरीके से और हम एक प्रॉपर्टी से इंटरकनेक्ट अगर इसे कराएं, नीचे क्या था भाई m इंटू टी था, ऊपर क्या था n इंटू टी था, हमने क्या किया ऊपर वाले से माइनस नीचे वाले को और क्या किया था जीरो से लेके t एफ एक्स डी एक्स लिखा था। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है देन मेक श्योर फिर से पीछे जाओ, प्रॉपर्टी याद करो देन आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे भाई, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, क्लियर है, और क्या करेंगे भाई जीरो से लेके वन तक जाएंगे, इसको एज इट इज तो हम सॉल्व कर नहीं सकते तो इसको लिख देंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ठीक है।
अब जब जीरो से वन की बात करें तो ये वाले भाई साहब तो जीरो हो जाएंगे, जीरो से वन के बीच में इसकी वैल्यू होती है जीरो। ये क्या हो जाएगा भाई, फाइव फाइव टेन हो जाएगा इंटू जीरो से वन एक्स डी एक्स। बड़ी सिंपल सी कहानी बन रही है भाई। अब क्या है यहाँ पे, टेन इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से वन तक, है ना। ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू टेन, आंसर आपका आ गया फाइव। आप ऑप्शन मैच कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस चीज, इस तरीके से आप अगर चीजों को करते हुए चलोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, बेसिक बेसिक पार्ट भी आपका क्लियर, देन मेक श्योर कि नथिंग इज इजियर देन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इससे ज्यादा आसान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर कि सारी चीजों को क्लियर करते हुए हमें चलना है, ठीक है। तो चलो एक और अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, ये वाला जो प्रॉब्लम है बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम है, इसको मिस मत करना, एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है। अगर खुद से कर लेते तो बहुत अच्छी बात। इसमें जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं यार, वो भी आपकी क्लियर हुई हैं। वेट जस्ट, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, आपको दो इक्वेलिटीज दी हुई हैं, जीरो से लेकर यहाँ तक ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से सुनना क्या चीज है और कहना क्या चाह रहा है भाई। जब ये लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही आराम से करोगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। ये लिखा हुआ भाई, इसको आप ऐसा कर दो भाई, 2x प्लस 28 आप अंदर लेते जाओ इसे, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट अगर एक एक स्टेप ध्यान से समझते हुए करोगे तो बड़ा ही मजा आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। ये एक्स प्लस 14, ठीक है, यहाँ पे आपका डी एक्स है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई। जब इसे हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे हमें पता चल रहा भाई 28 है, इंटीजर के अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, बाहर ले लेते हैं, बड़े प्यार से ले लेंगे बाहर। 28 टाइम्स ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे करेंगे प्लस 2x, ये इसके अंदर है, ठीक है ना। ये आपका जीरो से लेके गया हुआ है, और ये चाहे आप इधर लिखो चाहे इधर, थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, जीरो से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये है भाई आपका एक्स बाई टू, फ्रैक्शन के अंदर है, कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो से लेके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स प्लस 14, ये आपका डी एक्स है, क्लियर है। अब समझते हैं भाई, जीरो से लेके 28 डायरेक्टली ये तो लिख दिया है, क्या ये चीज कुछ हजम हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही भाई, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझें कि भाई ये जो चीज, अच्छा यहाँ पे आपका जीरो से लेके 2x प्लस 14 था, ठीक है। ये हम जाएंगे जीरो से लेके 28 तक, पहले तो यहाँ पे अभी LHS की बात हम कर रहे हैं, जीरो से 28 तक जाएंगे तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक्स बाई टू, ये आपका डी एक्स, ठीक है। प्लस अब भाई 28 से भी तो हमें कहीं जाना होगा, तो 28 से हम जाएंगे भाई, जो ये आपका ऊपर लिखा हुआ है 28 प्लस 2x, ठीक है, और ये अंदर क्या है एक्स बाई टू। ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज की पहले वाली थी अभी, ठीक है। ये इक्वल है किसके, ये राइट साइड वाले के। अभी सपोज हम इसे मान के चलते हैं ये राइट वाले भाई साहब, ये आई के बराबर है क्योंकि बोर्ड है छोटा, ठीक है, ये आई के बराबर है, तो चलो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं, है ना। अब समझो भाई ये जो चीज है एक्स बाई टू, इसका पीरियड क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर ये सिर्फ एक्स रहता तो जीरो से वन रहता, ठीक है, मतलब इसका जो पीरियड है वन रहता। अगर एक्स बाई टू है तो पीरियड इन्वर्सली हो जाता है, मतलब कि टू इसका पीरियड हो जाएगा, वन था एक्स बाई टू का टू हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको लिखेंगे 28 को 14 इंटू टू, इसको आप ऐसा लिखेंगे भाई 14 इंटू टू, हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और अब क्या करना है भाई, 14 टाइम्स जीरो से टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बाई टू, ये आपका डी एक्स, सिंपल सी बात है ना। प्लस अब यहाँ पे क्या है भाई, यही फॉर्मूला a से a प्लस एन टी, वही तो है a से a प्लस एन टी वाला फॉर्मूला लगा रहे। सिंपली इस चीज को हम भूल जाते थे प्रॉपर्टी यूज करते हुए, यहाँ पे सिंपली लिखते थे जीरो से, ये 2x को 2 आप बाहर लिख दो, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं इसे x बाई टू डी एक्स, ये जो भाई साहब है ये बराबर है आई के, इतना भी हम समझ रहे हैं। अब समझो भाई ये जो इंटीग्रल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज यहां भी आ रही है। अगर हम यहां पे देखें, अब समझना ये जीरो से एन टी लिखा हुआ है ना, टी आपका क्या है, टी आपका टू है, क्यों, क्योंकि भाई एक्स बाई टू का पीरियड जो फ्रैक्शनल पार्ट में उसका क्या है, पीरियड
टू है भाई, तो टू टाइम्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कोई इंटीजर है, जैसे एन हुआ करता था वही तो है। तो जो ये फ्रैक्शनल पार्ट वो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या है, वो बाहर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला था, जीरो से एन टी हुआ करता था, एन बाहर जीरो से टी, यहां पे टी क्या है टू है, जीरो से टू, और एन क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर ही रहने वाला है हमेशा, तो ये बाहर मतलब नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा सा जब उसे आप लिखना चाहोगे ये ऐसे लिखते हैं, 14 टाइम्स 0 से 2 एक्स बाई 2 dx, और यहाँ पे प्लस आपका ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे, 0 से 2 फ्रैक्शनल पार्ट x बाई 2 dx हो जाएगा। बड़े प्यार से ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं एक स्टेप ऊपर और फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये हो गया इरेज। अब इसका पहले तो हम पा लेते हैं भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो से लेके टू तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हालांकि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। सपोज हम ये कहते हैं पुट करते हैं भाई एक्स बाई टू को टी के बराबर, ठीक है, तो भाई जब रखेंगे आप तो अगर एक्स आपका टू है, ठीक है, तो टी आपका कितना हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली वन हो जाएगा जब एक्स आपका टू है, ठीक है, और जब आपका एक्स जीरो है तो ऑब्वियसली आपका टी भी जीरो है ना। और यहां पे भाई जब करोगे तो ये हो जाएगा भाई डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स डी टी, क्लियर है। अब यहां पे क्या है भाई, जीरो से लेके वन तक जाएगा, ठीक है, ये आप लिखेंगे भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी, और यहां पे डी एक्स आप लिखेंगे डी टी, लेकिन यहां पे टू बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं इतना एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सको। अरिहंत में क्वेश्चन दिए हो, आप वहां पे देख भी सकते हो। इसका जब आप थोड़ा सा ब्रेक करोगे फ्रैक्शनल पार्ट टी को क्या लिखेंगे, टी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डी टी। बट एक प्रॉब्लम है, अभी यही प्रॉब्लम तो हमने एक्स के साथ देखा हुआ था इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, भाई ये जीरो से वन तक तो ये जीरो हो जाता है, अब टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, टू इंटू टी स्क्वायर बाई टू, और ये कहां से कहां तक जा रहे हैं भाई, जीरो से वन, मतलब कि टू इंटू वन बाई टू, मतलब कि वन। ओवरऑल कहने का मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आती है, वन आती, इसी का खेल अभी तक हम कर रहे थे। जीरो से टू ये जो वैल्यू है इसकी इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आती, वन आती, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आती, वन आती है। बस अब इन सबको इरेज कर देते हैं, एक बार खुद से जो किया होगा और जिससे नहीं हुआ होगा वाकई में उसे अच्छा लग रहा होगा करने में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या था भाई, 14 टाइम्स 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x टाइम्स 1 इक्वल टू i के था। अब i की बारी आ गई, अब i वाले को सॉल्व कर लेते हैं भाई, नहीं तो बुरा मान जाएगा, ठीक है। i वाला क्या है, ये चीज है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई x प्लस 14 है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं भाई 14 वाले का झमेला ही खत्म कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये करते हैं भाई 0 से x, ठीक है, ये भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, यहाँ पे प्लस 14, या फिर ऐसे आप लिखें इसको dx। अच्छा चलो एक चीज थोड़ा सा अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो भाई x प्लस 14 है, समझो ध्यान से, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, x प्लस 14 किसके अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है ना। 14 प्लस x है, और जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब कि 0 से लेके अप टू ए डेसिमल लेवल, अप टू ए डेसिमल लेवल, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होने जा रही है भाई, 14 ही होने जा रही। कैसे भाई, 14 प्लस 0 पॉइंट कुछ करो, 0.9 करो, 0.8 करो, वैल्यू तो 14 ही आने जा रही, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है ना भाई। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको आप बाहर लिखें, क्योंकि ये कांस्टेंट हम ट्रीट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू तो यहां से यहां तक जा रही है, और ये जो कंप्लीट वैल्यू ये तो कांस्टेंट है ना। तो ये dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जब इन दोनों लिमिट को आप रखोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये आपका i है, तो इसको हम यहां भी लिख सकते हैं भाई, आई की जगह लिख दो x प्लस 14, ठीक है, यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये चीज क्या था भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 14, या फिर डायरेक्टली इसे भी लिखना चाहो तो भाई साथ में लिख दो, x प्लस 14 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है इज इक्वल टू x प्लस 14 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं भाई, इधर लेके आओगे तो x प्लस 14 ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट ऐसा लगा दो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अब भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो कभी 1 तो हो नहीं सकता ना,
नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। होगा क्या भाई, एक्स प्लस 14 जो है अंदर वाला वो जीरो के बराबर होगा, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जीरो के बराबर होगा। कब होगा जीरो ये बताओ, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी जो जीरो होगा भाई। अगर हम एक्स को कहते हैं भाई माइनस 14 से लेके कहां तक भाई, ये ऑप्शन चेक करें आप, माइनस 14 से माइनस 13, अगर माइनस 13 हम रखते हैं ठीक है, यहाँ माइनस 13 रखोगे तो 1 आ जाएगा ठीक है। माइनस 13 पे क्या है, ओपन है, तो माइनस 13 तो एग्जैक्ट रख नहीं सकते, तो माइनस 12 पॉइंट कुछ रख दो और यहाँ पे प्लस आप 14 कर दो। तो समझ में आ रही भाई, अगर माइनस 12 पॉइंट करके कुछ भी रखते हैं, सपोज आप अगर माइनस 13 डायरेक्ट रखते तो ये माइनस 13 प्लस 14 1 या उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं हाँ भाई इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी भाई। रहना क्या चाहिए टोटल मिला के, जो एक्स प्लस 14 है आपका वो क्या, अगर जीरो करना है तो हमें भाई जीरो से लेके वन तक रहना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता तो ये चीज समझो, हमें करना क्या है, x प्लस 14 को जीरो करना है अंदर वाला, ये पूरा चीज जीरो रहना चाहिए। कब होगा, जब x प्लस 14 आपका ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन होगा, लेस और इक्वल टू नहीं, लेस देन वन। क्या करना है भाई, दोनों और माइनस करना है, ये माइनस 14 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, लेस देन वन माइनस 14 इधर करेंगे माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 14 से माइनस 13, लेकिन 13 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ऑप्शन आपका आंसर, आपका सोल्यूशन सब कुछ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो भाई दिक्कत है, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने इस प्रॉब्लम को समझाया है कि भाई मेहनत खराब नहीं करना है ठीक है। तो कमेंट सेक्शन बताना कि हाँ भाई ये समझ में आ गया, मजा भी आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। चलो अब न्यूटन लेबनीज रूल भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक होता है, सबको ही पता होता है भाई, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको डाउट हो जाता है, बट ऐसा चीज बताएंगे कि याद हो जाएगा ठीक है। सपोज आपको एक फंक्शन इंटीग्रेशन दिया जिसकी लिमिट है फाई एक्स से लेके साई एक्स ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, चलो यहाँ पे एक्स ऊपर है हमने ले लिया, तो एफ ऑफ टी डी टी सपोज हम मान लेते हैं ठीक है। अगर सपोज हमसे कहा जा रहा है भाई आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं न्यूटन लेबनीज रूल। ये एकदम याद करने का आसान सा तरीका है, बड़े प्यार से समझोगे समझ में आ जाएगा भाई। सिंपली करते क्या है कि जो ऊपर वाले भाई साहब है उनको डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर क्या है साई एक्स है ना, और यही जो ऊपर वाला है उसको इसके अंदर पुट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ के अंदर क्या डाल देंगे भाई ऊपर वाला फंक्शन, एक स्टेप हो गया। फिर माइनस करेंगे नीचे वाले में, तो माइनस ही करना होता है भाई हमेशा, ये क्या है फाई एक्स है, तो डी बाई डी एक्स करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके एफ के अंदर क्या डाल देंगे यही फाई एक्स। बस ये आपका हो गया भाई इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं न्यूटन लेबनीज रूल। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैलकुलस में हुआ करता है, आप लिमिट पढ़े होंगे तो भी आपको वहां न्यूटन लेबनीज रूल की जरूरत पड़ी होगी, हर जगह ही लगभग इसका यूज होता है। अगर इसके बेसिस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहें, जैसे जीरो से एक्स कॉस टी डी टी है ना, जीरो से एक्स कॉस टी डी टी ये क्वेश्चन है सपोज अपने पास, तो हमें ये चीज करना है सॉल्व भाई। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, जो भाई ऊपर वाले भाई साहब है उनको आप करेंगे क्या डिफ्रेंशिएट, और ऊपर वाले को हम नीचे टी की जगह पुट कर देंगे, कॉस एक्स हो गया। फिर माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स नीचे वाले को करेंगे, फिर क्या करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की जगह, कॉस जीरो हमने कर दिया भाई, ये तो इनको ले दे के जीरो बना दिया है ना, ये क्या हो गया वन, और ये आपका आंसर आ गया सिंपली कॉस एक्स। बस सिंपल सी बात थी। अब सपोज हमसे कोई कहे भाई जीरो से एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी का, आप अगर आपको यहाँ भी आपको डिफ्रेंसिएशन ही करना था इसका, यहाँ भी आपको डी बाई डी एक्स निकालना है इसका, तो फिर वही चीज है वही कहानी है, क्या करना है भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे हम, फिर कॉस टी की जगह क्या पुट कर देंगे ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पहले तो आप जीरो पुट करेंगे, फिर आप कॉस जीरो का स्क्वायर करेंगे, ये तो ले देके जीरो हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर। ये तो थे कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल, और एक आध दो अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी ठीक है। आसान चीज है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कठिन है। चलो भाई ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, इसमें दो दो कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए हैं, एक बार मैक्सिमा मिनिमा वाला, एक बार इंटीग्रेशन वाला, एक बार आपका डिफरेंशिएशन वाला, एक बार
लेबनीज रूल वाला, तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। सपोज हम कहते हैं भाई एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है जीरो से लेके एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस ई के पावर टी डी टी। हमें कह रहे भाई ये जो फंक्शन है इसका आप मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स बता दीजिए। सबसे पहला काम हम क्या किया करते थे मैक्सिमम में, एक तो डेरिवेटिव टेस्ट किया करते, एक तो सबसे सिंपल वो हुआ करते जिसमें हम एफ डैश एक्स निकालते थे, जीरो पुट करके जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आते थे हम वहाँ पे साइन चेक करते थे। अगर पॉजिटिव से निगेटिव तक मूव करता था तो हम कहते थे भाई ये मैक्सिमा है ना। अगर हम ये पाते थे भाई निगेटिव से लेके हम पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो हम ये पाते थे भाई ये मिनिमा है। तो वही काम हम यहाँ भी करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे स्टेप नंबर वन की फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालना है। ऑब्वियसली जब आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको न्यूटन लेबनीज रूल का यूज ही करना पड़ेगा। तो करेंगे यहाँ पे ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा भाई 2x, ठीक है। और यही चीज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस e टू द पावर x स्क्वायर माइनस, भूलना नहीं है स्टेप, नीचे वाले को क्या करेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ जीरो और उसमें आप जीरो पुट करिए कुछ भी वैल्यू आए। जब ये चीज जीरो हो गया ऑब्वियसली राइट साइड में आपके जीरो ले देके पूरा कर देगा, तो ये चीज खत्म है यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ये सहानुभूति दे देते हैं नीचे कि वो राइट साइड को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब यार इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना, तो कैसे निकाला जाए? हमें ये पता चला भाई जो नीचे वाले भाई साहब वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना ही नहीं है, बट थोड़ा सा इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? x के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 है 4, ठीक है, थोड़ा सा अपना वही मेथड लगाओ। इसके आप लिख सकते भाई माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो कितना इजीली देखा आपने, हमने इसे फैक्टराइज भी कर लिया, बस काम खत्म है। क्या करना है? रखनी वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 2x into क्या क्या एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। क्या करते थे भाई, जीरो रखते थे सारी वैल्यूज को, तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे भाई, जीरो आएगा, एक तो 1 आएगा, एक तो माइनस 1, एक तो 2 आएगा, एक तो माइनस 2 आएगा, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिलेंगे। फटाफट इसको हम क्या करते थे भाई, नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे। करो माइनस 1 0, ये माइनस 2, ये आपका 1, ये आपका 2, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव किसी पे भी इवन पावर तो है नहीं, तो यहाँ पे आप अल्टरनेटली चलते जाएंगे। वेवी कर्व मेथड सबको ही पता होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, है ना। अब हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से पॉइंट है जो मैक्सिमा के पॉइंट है और कौन कौन से पॉइंट है जो मिनिमा के पॉइंट है। तो सिंपली दिख रहा है भाई कि पॉजिटिव से निगेटिव एक तो माइनस 1 पे जा रहा है, तो लिखते हैं आराम से कि मैक्सिमा के पॉइंट कौन से आ गए भाई, मैक्सिमा के एक तो माइनस 1 है और एक तो यहाँ पे जा रहा है भाई, कहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव 1 पे जा रहा है, तो माइनस 1, 1 आपके कौन से पॉइंट है भाई मैक्सिमा के। अच्छा इसी तरीके से अगर हम मिनिमा की बात कर ले तो मिनिमा के कौन से पॉइंट है भाई, एक तो माइनस से प्लस माइनस 2 पे जा रहा है, एक तो 0 पे जा रहा है, एक तो आपका प्लस 2 है यहाँ पे ना। अच्छा चलो प्लस 2 ही था इसका, तो हमने सिंपली माइनस यहाँ पे लिखा था, ठीक है, तो 2 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है और माइनस 2 पे, माइनस 2 0 और 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लेक्चर में, भाई टाइम लग गया, अभी भी इतना वेल नहीं है, बट ठीक है सब, ठीक है, ओके। देन जिसको भी लाइट कोर्स ज्वाइन करना हो कर लेना, बहुत ही डेडिकेटेड बैच होता है हमारा, है ना, तो मेक श्योर कि उसमें अच्छा करना है, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है, यही सारी बातें थी।